वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथमेटिशियन शो में। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग इस फिगर के अंदर नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करने का एक ऐसा ट्रिक सीखेंगे जिसका यूज़ करके आप लोग अपने कम्पिटिटिव या एंट्रेंस एग्जाम्स में आसानी से इस तरह के फिगर्स में नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इस फिगर में छोटे स्क्वायर्स जो हैं वो टोटल 4 हैं, 1, 2, 3, 4। तो ये 4 हो गए छोटे वाले स्क्वायर्स। उसके बाद ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है इस तरह का, 2 स्क्वायर है तो +2, टोटल अभी तक 6 हुआ। अब ये जो शेप है इसमें 3 कॉलम्स हैं और 3 रॉज हैं, ठीक है। तो मेन इसी को काउंट करने का, इसी फिगर में स्क्वायर्स काउंट करने का जो ट्रिक है वो है। तो इसमें आप देखिए 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, तो हम क्या करेंगे, 3 × 3 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 1 रो और 1 कॉलम कम कर देंगे, यानी 2 × 2, और फिर 1 रो 1 कॉलम कम करेंगे, 1 × 1। तो ये हो गया 3 × 3 = 9, 2 × 2 = 4 और 1 × 1 = 1। तो ये टोटल हो गया 14। अब कम करते तो 0 हो जाता, इसीलिए अब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब तक कि इन दोनों में से कोई एक 1 ना हो जाए, ठीक है, नंबर ऑफ़ रोज या नंबर ऑफ़ कॉलम्स दोनों में से कोई एक 1 ना हो जाए, तब तक इस तरह से हम लोग प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे। तो अब हो गया इस फिगर के अंदर टोटल 14 स्क्वायर्स। ये आप देख सकते हैं किस तरह से 1, 2, 3, 4 और ये पूरा 5, 6, 7, 8, 9, ये 10, 11, 12, 13 और ये पूरा 14। तो हमने ट्रिक से पहले ही निकाल लिया है कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स इस शेप के अंदर टोटल 14 है। तो 14 और पहले से 6 हमने काउंट किया हुआ था, तो 14 और 6 हो जाएगा टोटल 20। तो इस फिगर के अंदर नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो गए टोटल 20। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।